Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. चीन में कैदी शख्स की कैनेडियन बीवी और बेटी को बीजिंग एयरपोर्ट पर नार्वा सलूक का सामना। डोवा स्कॉटिया में कचरे से बिजली बनाने वाले पावर प्लांट्स को प्लास्टिक गत्ते और कागज के इस्तेमाल की इजाजत मिल गई। ब्रिटिश कोलंबिया में दिसंबर में आंधी तूफान के बाद बीमे की मद में $37 मिलियन का नुकसान हुआ। एथोपिया तैयारा हादसे में प्रोफेसर समेत 18 कैनेडियन हालात। SNC लेवेलियन स्कैंडल से ट्रोडो में इखलाकी क़यादत का फुकदान सामने आया है। ऑन्टेरियो हुकूमत की जानिब से प्लास्टिक से बनी मसनूआत पर पाबंदी लगाने पर गौर। तालिबान मुज़ाकरात मुस्बत समत की जानिब गामज़न है अफगान मीडिया। अमरीकी फौज अपनी हमसायगी में मुल्ला उमर को पकड़ने में नाकाम रही रिपोर्ट। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी हवाओं के झक्कड़, निजाम जिंदगी दरहम बरहम। खबर शामिल करेंगे एथोपिया तैयारा हादसे में प्रोफेसर समेत 18 कैनेडियन हलाक हुए हैं। 5 अफराद की शनाख्त हो चुकी है जबकि दीगर 13 अफराद की शनाख्त का काम जारी है। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। एथोपिया एयरलाइन हादसे में 18 कैनेडियंस की हलाकत की तस्दीक कर दी गई है। एथोपिया एयरलाइन का तैयारा बोइंग 737 मैक्स परवास के चंद मिनट बाद ही गिरकर तबाह हो गया। हादसे में 157 मुसाफिर और 8 रुकनी अमले समेत तमाम मुसाफिर हलाक हो गए। हलाक होने वालों में कार्लटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पीयूस अदिसानवी, एडमोंटन से ताल्लुक रखने वाली 33 साल खातून अमीना इब्राहिम और उनकी 5 साल बच्ची सूफिया, कैलगरी से ताल्लुक रखने वाले अकाउंटेंट डेरिक लोगी और वेनिपेक से ताल्लुक रखने वाली 24 साल खातून डैनियल मोर शामिल हैं, जबकि दीगर अफराद की शनाख्त के लिए काम किया जा रहा है। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की जानिब से हादसे पर शदीद अफसोस और लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार किया गया है। हवाई जहाज मैक बोइंग 737 एथोपिया के दारुल हुकूमत अदीस अबाबा के बोल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नैरोबी के लिए उड़ा था। ताहम हवाई अड्डों की मालूमात रखने वाली वेबसाइट फ्लाइट रेडार के मुताबिक हवाई जहाज की उमूदी रफ्तार तेजी से नाकाबिले बर्दाश्त हो गई थी, जबकि पायलट की जानिब से स्ट्रेस कॉल भी की गई और वापस आने के लिए बताया गया था, लेकिन चंद मिनटों के बाद ही जहाज से राब्ता मुनक़ता हो गया था। एयरलाइन की जानिब से बताया गया है कि तबाह होने वाले तैयारे में मजमूई तौर पर 35 मुल्कों के शहरी सवार थे। ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक हादसे का शिकार जहाज का ब्लैक बॉक्स का डेटा रिकवर कर लिया गया है। कनाडा की कदामत परस्त जमात के रहनुमा एंड्रयू शेर ने कहा है कि वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और लिबरल गैग ऑर्डर को खत्म करें और जोड़ी विल्सन रिबोल्ट के ओहदा छोड़ने की असल वजूहात बयान करें। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा की कदामत परस्त जमात के रहनुमा एंड्रयू शेर ने कहा है कि वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और लिबरल गैग ऑर्डर को खत्म करें और जोड़ी विल्सन रिबोल्ट के ओहदा छोड़ने की असल वजूहात बयान करें, ताकि जोड़ी विल्सन रिबोल्ट के काबीना को छोड़ने के फैसलों के बारे में पूरी हकीकत को वाज कर सकें। ओटावा में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान एंड्रयू शेर ने कहा कि SNC-Lavalin तनाजात की वजह से ट्रूडो में इखलाकी क़यादत का फुकदान सामने आया है। उन्होंने मजीद कहा कि विल्सन रिबोल्ट की हिमायत करने के लिए एक ऑनलाइन मुहिम जारी है। शेर ने कहा कमेटी पर लिबरल अरकान पार्लियामेंट को विल्सन रिबोल्ट को स्कैंडल पर इजाफी रोशनी डालने के लिए मदद की जरूरत है। जो लोग ऐसा नहीं करते उनकी गैर जानबदारी मशकूक है। पहले ये सिर्फ शदीद दबाव के बाद ही होता था। इंसाफ कमेटी पर लिबरल पार्लियामेंट इस तहकीकात को शुरू करने की इजाजत देते थे और कीनिया के शिद्दत पसंद होने के बाद सिर्फ जस्टिन ट्रूडो ने मोहतरमा विल्सन रिबोल्ट को बात करने की इजाजत दी थी। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हालिया मुहिम के अच्छे नतीजे सामने आएंगे और ये दबाव जस्टिन ट्रूडो को मजबूर करेगा कि वो आए और गवाही दे सकें। खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं ऑन्टेरियो हुकूमत की जानिब से प्लास्टिक से बनी मसनूआत पर पाबंदी लगाने पर गौर किया जा रहा है, जिसमें बैग, बॉटल्स और दीगर सामान शामिल है। जानेंगे इस रिपोर्ट में। ऑन्टेरियो की हुकूमत प्लास्टिक से बनी मसनूआत पर पाबंदी लगाने का सोच रही है, जिसमें बैग, पानी की बॉटल्स, स्ट्रिप्स और दीगर अशिया शामिल हैं। ऑन्टेरियो में तकरीबन 1 टन कचरा फी शख्स के हिसाब से हर साल पैदा होता है, जबकि नए प्लास्टिक पर पाबंदी से उसमें कमी की जा सकती है। हुकूमत ने हाल ही में फजले को कम करने के बारे में एक बहस का कागज जारी किया था, जिसमे आवाम और मुतलिका स्टेक होल्डर से पूछा जा रहा है की इस मसले को किस तरह हल करना बेहतर है, जबकि हुकाम का कहना है की इस सिलसिले में सोचा जा रहा है। डिस्पोजेबल प्लास्टिक की अशिया पर पाबंदी भी ज़ेरे गौर है कि इस अमल को किस तरह अंजाम दिया जाएगा।
हुकाम का कहना है कि प्लास्टिक पर पाबंदी हमारी तरजीहात में शामिल है, खास तौर पर जब हम पानी में प्लास्टिक के बारे में बात करते हैं। एक आम अंदाजे के मुताबिक प्लास्टिक के मलबे से तकरीबन 10,000 टन प्लास्टिक हर साल झीलों में दाखिल हो जाता है। ऑन्टेरियो के ब्लू बॉक्स में रिसाइकलिंग के प्रोग्राम के जरिए सूबे में तमाम प्लास्टिक की पैकेजिंग का तकरीबन 28% रिसाइकिल किया जाता है, जबकि ऑन्टेरियो की हुकूमत इस बात पर भी गौर कर रही है कि दीगर सूबों की तरह यहाँ पर भी प्लास्टिक का डिस्पोजेबल सिस्टम नाफिज किया जाए। वाज़ेह रहे कि कनाडा के बेशतर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में डिस्पोजेबल प्लास्टिक की बोतलों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद है। अमेरिका तालिबान मुजाकरात में बड़ी पेशरफ सामने आ गई है। अफगान मीडिया ने दावा किया है कि फरकैन के दरमियान कुछ मामलात में इत्तेफाक हो गया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमेरिका तालिबान मुजाकरात में बड़ी पेशरफ सामने आ गई है। अफगान मीडिया ने दावा किया है कि फरकीन के दरमियान कुछ मामलात में इत्तेफाक हुआ है। अफगान मीडिया के मुताबिक मुजाकरात मुस्बत समत की जानिब जा रहे हैं, ताहम कुछ मामलात पर अभी भी रुकावट मौजूद है। याद रहे कि अफगानिस्तान में 18 साल जंग के खात्मे के लिए कोई मुहादा तय करने के लिए कतर में 11 दिन से जारी अमरीका तालिबान मुजाकरात में जुमे को एक दिन का वक्फा किया गया था। अमरीकी खबरसा इदारे का कहना था कि मुजाकरात कार कोशिश कर रहे हैं कि दरपेश रुकावटों पर काबू पाया जाए। तालिबान नुमाइंदे जबीउल्लाह मुजाहिद का कहना था कि मुजाकरात में उनका सिर्फ इस बात पर इसरार है कि तमाम काबिज अफवाज अफगानिस्तान से निकल जाएं। बरतानवी अखबार में शाया की गई एक दिश्ताहाफी की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि अमरीकी फौज अफगान तालिबान के बानी और साबिक अमीर मुल्ला मोहम्मद उमर को उनके बेस के करीब कई बरस तक रिहाइश रखने के बावजूद तलाश करने में नाकाम रही। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। बरतानवी अखबार में शाया की गई एक दिश्ताहाफी की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि अमरीकी फौज अफगान तालिबान के बानी और साबिक अमीर मुल्ला मोहम्मद उमर को उनके बेस के करीब कई बरस तक रिहाइश रखने के बावजूद तलाश करने में नाकाम रही। दी गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट में अफगानिस्तान से रिपोर्टिंग करने वाले डिश सहाफी और मुसन्निफ बैट डैम की किताब का हवाला देते हुए कहा कि मुल्ला उमर के सर की कीमत $1 करोड़ रखी गई है और वो अफगानिस्तान में अमरीकी बेस से चंद फरलोंग के फासले पर रिहाइश पजीर थे। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फौजी हुकाम की जानिब से मुल्ला उमर को भी अलकायदा के सरबराह उसामा बिन लादिन की तरह पाकिस्तान में मौजूद होने का ख्याल जाहिर किया जाता रहा, ताहम वो उनके मरकज के करीब रिहाइश पजीर थे। किताब के हवाले से रिपोर्ट में 2001 के बाद मुल्ला उमर के तालिबान पर अमली कंट्रोल को भी वाज़ेह किया गया है। ख्याल रहे कि अफगान तालिबान 2013 में उनकी वफात के बाद 2 साल तक भी उन्हें अपना अमीर तस्लीम करते रहे। अफगान तालिबान ने मुल्ला उमर को ताहयात अपना सरबराह तस्लीम कर रखा था। बरतानिया से खबर शामिल करेंगे। आपको बताया बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी हवाओं के चक्कर ने निजाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। 65 मील की घंटे की रफ्तार से चलने वाली तूफानी हवाओं की वजह से मुख्तलिफ शहर बिजली से महरूम हो गए। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी हवाओं के झक्कर ने निजाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। 65 मील घंटे की रफ्तार से चलने वाली तूफानी हवाओं की वजह से मुख्तलिफ शहर बिजली से महरूम हो गए, जबकि घरों और मुख्तलिफ इमारतों की छतें उड़ गयी, दरख्त भी उखड़ गए। तूफानी हवाओं के बाइस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई, जबकि बर्मिंगम लंदन समेत मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर तेज हवाओं ने तैयारों की लैंडिंग और उड़ान मुश्किल बना दी और दाएं बाएं डोलते जहाज हादसे से बाल बाल बच गए। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में कई अफराद जख्मी हुए, तहम किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली, जबकि कुछ हादसे की जर्द में आए और बाल बाल बचे। दूसरी जानिब इंतजामिया ने इमरजेंसी नाफिज कर दी है। इसी के साथ ही टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. चीन में कैदी शख्स की कैनेडियन बीवी और बेटी को बीजिंग एयरपोर्ट पर नार्वा सलूक का सामना। नोवा स्कॉटिया में कचरे से बिजली बनाने वाले पावर प्लांट्स को प्लास्टिक गत्ते और कागज के इस्तेमाल की इजाजत मिल गई। ब्रिटिश कोलंबिया में दिसंबर में आंधी तूफान के बाइस बीमे की मद में $37 मिलियन का नुकसान हुआ।